Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Sadat Shah and this is Zahir Abbas. तो guys आज हम लोग आपके एक और favorite channel जिसका नाम है BTS Hindi World. BTS Hindi World के video लेके आए हैं. तो इस channel की videos के ऊपर आप लोगों का प्यार बहुत ही भरपूर किस्म का मिल रहा है. तो हम लोगों ने इसी वजह से ये डिसाइड किया है कि हम इस चैनल के ऊपर मज़ीद रिएक्शन लाते रहेंगे. तो इसी तरह की एक वीडियो लेके आए हैं. वीडियो का नाम क्या है? BTS वर्सेस ज़ॉम्बी पार्ट 1. BTS वर्सेस ज़ॉम्बी मजे का आने वाला लगता है. देखते हैं BTS ज़ॉम्बी सेम मुकाबला करेंगे. सच्ची बात ये लगती है इसकी ओरिजिनल लगती है. ओरिजिनल होती है इसमें वो स्क्रिप्टेड नहीं होती. डबिंग वीडियो की तरफ चलते हैं. वीडियो में देखते हैं क्या है. तो जाने से पहले आपने क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है. और 1000 लाइक्स का रिकॉर्ड है. पिछले वीडियो में आपने अभी तक पूरा नहीं किया तो इस वीडियो में आप पूरा कर दे. चलते हैं वीडियो की तरफ भाई. आप माने ना माने हम तो वीडियो पे रिएक्शन देते रहेंगे. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. वेलकम टू रन BTS. अभी हम कौन सी जगह पे हैं? पीछे देखो ना, क्या तुम नहीं देख सकते? तो आज हम आए हैं अमेजिंग पार्क में. तो आज हम इस पार्क में क्या करने वाले हैं? तो आज के एपिसोड की थीम है BTS को ढूंढनी है अपने बचपन की मासूमियत. तो क्या आज हम राइड्स पे जाने वाले हैं? मैं घूमने वाले पे नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा. क्या तुम लोग वो नहीं देख सकते? पीछे देखो क्या है, ये तो टाइगर बस है. तो क्या हम सफारी पे जाने वाले हैं? क्या आप रात में कभी ज़ू में गए हैं? नहीं, कभी नहीं. रात में तो जा भी नहीं सकते. सही कहा, रात में सारे ज़ू बंद होते हैं. पर आज रात एवलन खास आप लोगों के लिए खुला है. क्या सच में? ओह क्या बात है, आज तक रहा BTS फेमस हो गए, सिर्फ हमारे लिए पार्क खुला रखा गया है. आज तो प्राउड फील हो रहा है. आज की रात BTS पार्क में जानवरों के साथ खेलेंगे और अपने बचपन की मासूमियत ढूंढेंगे. आज तो बहुत मजा आने वाला है. तो क्या हम सब एक बड़ी टीम में होंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा. नहीं, अगर आप सभी एक ही टीम में होंगे तो ये उतना मजेदार नहीं होगा. हाँ बिल्कुल सही कहा, हमने आपके लिए एक स्पेशल प्लान सोचा है जिससे आपकी टीम डिवाइड होगी. तो चलिए फिर चलते हैं मासूमियत की दुनिया में. चलो फिर सभी बस पर बैठ जाते हैं. BTS चलो चलते हैं. आज हम करने वाले हैं नाइट सफारी. हाँ पर ये भी याद रखना कि शेर तो रात में जाते हैं. अरे तुम्हारा मतलब क्या है ये कहने का? ये लाइट तो कुछ डरावनी लग रही है ना. हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा चिन. बाय, चलो चलते हैं. नहीं जाना. चलो सफारी बस तो निकल पड़ी. ये सफारी सफारी, ये जगह अनोखे जानवरों से भरी हुई है. तो आप सभी की सफारी यहाँ से शुरू होती है. क्या ये इस जगह को हमेशा खुला रखते हैं? तो इस जगह पे बहुत से शेर रहते हैं. मुझे तो डर लग रहा है. क्या बात है, चलो शेर के पास से देखते हैं. क्या हम शेर को ढूंढने वाले हैं? मैं आशा करता हूँ कहीं ये लोग हमें बीच रास्ते में ही ना छोड़ दे. पर यहाँ पे इतना कोहरा क्यों है? तो अभी हमें शेर को जंगल में ढूंढना होगा. सुनो देखो वहाँ पे उस तरफ. अरे कहाँ पे? पर यहाँ पे तो कुछ नहीं है. ये तो मजाक था. हे भगवान, इन्होंने तो डरा ही दिया. सुनो देखो वहाँ पे ज़ॉम्बी है. तो आज का एपिसोड होने वाला है BTS वर्सेस ज़ॉम्बी. आज के इस एपिसोड में BTS को 3 तरह के गेम खेलने होंगे. इसमें BTS को ज़ॉम्बी से लड़ना भी होगा, ज़ॉम्बी से ज्यादा अम्यूजमेंट पार्क के फ्री टिकट पाने के लिए. प्लीज कोई बचाओ हमें. सभी ध्यान से सुनिए, हमारे एक साथी जो पार्क के अंदर थे उनसे हमारा कांटेक्ट टूट चुका है. मैं जानता था ये लोग ऐसा करेंगे. ये सब क्या है, प्लीज ऐसा मत करो. अरे कहाँ गए सब? ये लोग हर बार झूठ बोलकर हमें उल्लू बनाते हैं. ये सभी तो असली लग रहे हैं. सुनिए, हमारी बस पे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर लिया है. क्या? लेकिन हमारे पास उनसे लड़ने के लिए अभी भी काफी लोग हैं. हमें रास्ते में आ रहे इन ब्लॉक्स को हटाना होगा. चलो तैयार हो जाओ. मुझे मत छोड़ो प्लीज. उठो. क्या मुझे सच में ये करना होगा? चेहरा तो आज के बाद कभी तो भी नहीं जाएगा.
अरे सुनिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलते रहो, देखो इसे पकड़ो और हटाओ यहाँ से। चलो इसे वहाँ रख देते हैं। ज़ॉम्बी है वहाँ पे, कोई बचाओ मुझे इन ज़ॉम्बी से। क्या चुप चिल्ला क्यों रहा है? क्या ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया? ड्राइवर प्लीज दरवाजा खोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जीव को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। हट जाओ मेरे रास्ते से। जैसी लग रही है। देखो यहाँ पे भी ज़ॉम्बी है। जीव जल्दी अंदर आओ, जल्दी करो। भगवान, ये ज़ॉम्बी तो अंदर आ गए। हो भी तुम ठीक हो ना? मेरा जूता खो गया। क्या रास्ते से मेरा जूता भी खो गया? चुप, बताओ बाहर जाकर तुम्हें कैसा लगा? अरे मेरा जूता खो गया। बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी से और तुम्हें अपना जूता चाहिए? वो है जूता। यहाँ नीचे हमारे कुछ साथी है, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। सुनिए, अगर हमने ये रास्ता पार कर लिया तो हम सुरक्षित घर पहुँच जाएंगे। चलिए सभी बाहर आइए, हमें ये रास्ता पैदल चलते हुए पार करना होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। पता नहीं बाहर हमारे साथ क्या होगा। तो पहला गेम होगा टीम डिसाइड करने के लिए। BTS को ज़ॉम्बी के कपड़ों पे लगे अल्फाबेट के स्टिकर्स निकालने हैं। मुश्किल टास्क। जिन मेंबर्स के पास सेम अल्फाबेट के स्टिकर्स होंगे वो एक ही टीम में होंगे। मेरे पास भी बॉक्सिंग। देखो स्टिकर मिल गया। बहादुर। ओ जंगकुक, तुम्हें भी ए मिला। अरे तुम्हें ये कहां से मिला? आ जाओ जंगकुक, हम दोनों एक टीम में हैं। हमें तो स्टिकर्स मिल गए। सुनो प्लीज, मुझे वो स्टिकर दे दो। रुको, सुनो रुक जाओ, मुझे वो स्टिकर लेने दो। इतनी रात में ये सब देखकर मेरी आँखें खुल गई हैं। मिल गया, मुझे भी स्टिकर मिल गया। आखिरकार हम सभी को स्टिकर्स मिल ही गए। मुझे भी मिल गया। बहुत ही बुरा था ये सब कुछ। मुझे तो ज़ॉम्बी गेम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे इन लोगों पे पहले से ही शक था, इसीलिए मैं भी सोचूं का क्या फायदा। ये हथौड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? सुनिए सभी, हम आपको एक सुरक्षित रास्ता दिखाएंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है, यहाँ हर जगह ज़ॉम्बी है। हाँ बिल्कुल सही कहा। आप सभी का सेकंड गेम शुरू होगा यहाँ से। तो आपका अगला मिशन है, इस जगह पे पार्क के बहुत से टिकट छिपाए गए हैं। आप वो फ्री टिकट्स आर्मी के लिए ढूंढ सकते हैं। आपको टिकट छिपाने के लिए देखो, जितने ज्यादा टिकट उतना आर्मी के लिए ज्यादा प्यार। हाँ बिल्कुल, ज्यादा टिकट ढूंढेंगे तो आर्मी को ज्यादा दे पाएंगे। आर्मी के लिए आज हमें हमारे डर से लड़ना होगा। ये जगह ज़ॉम्बीज से भरी हुई है और BTS को यहाँ से हिंट ढूंढ कर एक सीक्रेट मिशन पूरा करना है, ताकि वे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्री टिकट ढूंढ पाए। चलो फिर चलते हैं और इस मिशन को पूरा करते हैं। देखो वहाँ पीछे कोई है क्या? अरे यहाँ कोई नहीं है। नहीं, कोई तो जरूर था। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो डरावनी फिल्में भी नहीं देखता। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अकेले मत चलो। वहाँ पे कोई तो है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमें जाना किस तरफ है? चलो इस मैप में देखते हैं। अरे वाह, मुझे एक टिकट मिल गया। अरे ये वो टिकट नहीं है। चलो इसे यहाँ रख देते हैं बाकी मेंबर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। हमें शुरू यहीं से करना है ना? मुझे लगता है शायद वहाँ पे एक बॉक्स है। भी चलो अंदर चलते हैं। क्या हुआ? शुगा, हमें किस तरफ जाना चाहिए? सुनो ज़ॉम्बी, मुझे पता है तुम वहाँ पे छुपे हो, प्लीज कुछ भी मत करना। सुनो, मेरा दिल बहुत कमजोर है, प्लीज कुछ मत करो। अभी हम उस तरफ कैसे जाएंगे? उस तरफ चलते हैं। चलो जी, आओ मेरे साथ। अरे क्या हुआ आप लोगों को? चुप, वहाँ पे एक ज़ॉम्बी है। चलो सभी साथ में चलते हैं। अरे क्या हुआ जमीन? ये ज़ॉम्बी हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? सुनो जमीन, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। अरे ये ज़ॉम्बी तो विदेशी है। हेलो, कम इन। अरे क्या बोला उसे? अच्छा, दोनों कमरों में है।
ये लोग सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ कोई नहीं है, चलो यहाँ चलते हैं। अरे क्या हुआ? ये तो इसी तरफ आ रहा है। सुखा सकते हो जी मेरे को रुका दे। यार सही में ओरिजिनल डबिंग का अपना ही मजा यार। रुको अंदर शायद कोई है, लगता है वो बहुत लंबी है। सुनिए सुनिए वो आवे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे दे दो शुक्रिया। चलो मुझे नहीं जाना। अरे शुगा कहाँ पे है? मुझे मत डरो, ऐसा मत करो। शुगा तुम कहाँ पे हो? ये लेने दो आपको मजा ज्यादा। अरे तुम कहाँ हो? शुगा मुझे बनाओ। हम दोनों टीम सी में है ना? हाँ टीम सी, वहाँ पे जरूर कोई है। हम सही रास्ते पे है ना? अचानक से नहीं, दोनों डर रहे वो इस रूम में जरूर भी नहीं डर रहे जंगको को नहीं डर रहे हम बात के कर लेंगे। मिल गया जिमिन, जल्दी करो। जिमिन ने भी ले ली। बाकी कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, पर चलो यहाँ से चलते हैं। शंकु की हिंट देखो, पर मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये दूसरी वाली हिंट देखो, इसमें लिखा है ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हमें अच्छे से चेक करना होगा, यहाँ पे जरूर कुछ मिलेगा। अरे माफ करना, अभी हम क्या करें? शंकु देखो उस बॉक्स में क्या हो सकता है। हाँ वो क्या है? हेलो हम आरएम डाल रहे हैं, आरएम डाल रहे हैं। जंगको को और भी जल्दी से। सबसे ज्यादा जरूरी ब्लड टाइप है। मुझे नहीं लगता हम इस हिंट को सॉल्व कर पाएंगे, पर हमें ये करना होगा। ओह मैं समझ गया। जंगको किधर आओ, देखो यहाँ हर फोटो में एक क्यूआर कोड लगा है। हाँ तुमने सही कहा। सुनो जंगको सारे कोड चेक करो। मेरे प्यारे ब्रेड, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देखो बॉक्स में से मुझे एक लेटर मिला है। ब्लड टाइप सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये हिंट है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। ये यहाँ पे इस बॉक्स में था। मुझे माफ करना, मुझे अंदर जाने दो। अरे हाँ मैं समझ गया, इसका मतलब है बेटी। हाँ सही कहा, ये इस तरह से बड़ी होती गई। ये सारी एक ही लड़की की फोटो है। सॉल्व भी कर लिया। चलो जल्दी से भाग चलते हैं। अरे ये तो क्या बना हो यार। आगे भी कोई है? कैमरामैन आप पहले चाहिए प्लीज ना। आप चाहिए ना प्लीज, आप चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अरे वहाँ पे तो ज़ॉम्बी है। देखो मुझे एक हिंट मिली है, दिखाओ। नंबर वन पे जाना है, इसका क्या मतलब है? नहीं ये तो किसी तरह का पैटर्न है, पता नहीं क्या है। ये कौन सी जगह है? देखो ये वो फोटो है जब इस लड़की का जन्म हुआ था, और ये फोटो है जब इस लड़की की मौत हुई थी। मुझे लगता है ये वो फोटो है जब वो आखिरी बार अपने पैरों से चली होगी। सारे कोड चेक करता हूँ। अरे वाह मिल गया, इसमें लिखा है ये सर्जरी रिकॉर्ड से रिलेटेड है। मैं यहाँ चेक करता हूँ, ये सर्जरी रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। सर्जरी रिकॉर्ड, क्या वो ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पे खड़ा है? अरे हाँ ये तो अभी भी वहीं पे है। अरे ये देखो प्लीज एक बार हमें यहाँ से जाने दो। आप सुन रहे हैं ना? कैसे जाए उस तरफ?
पीछे कुछ होगा। जिमिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। ये सभी तो हमें बेटी का सर्जरी रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, समझना भी बहुत आराम समझेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है लड़की का ब्लड ग्रुप। क्या ब्लड ग्रुप ए भी है? मुझे नहीं पता। ओ देखो, इस मैप पे एक और रूम के बारे में बताया गया है। सुनो, मुझे लगता है हमें उस रूम की तरफ जाना चाहिए। इस रिकॉर्ड का क्या करें? साले लो, इसे भी साथ ले। हाँ ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो। जिमिन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये रास्ता सही है? हाँ बिल्कुल, हमें इसके अंदर जाना होगा। ये रास्ता तो बहुत डरावना है। अरे ये तो लॉक है। हाँ वहाँ पे एक चाबी थी। चुप, देखो ये सिंट पे लिखा है नाइट ड्यूटी रूम। वहाँ तक कैसे जाना है वो भी लिखा है, पर ये नाइट ड्यूटी रूम है कहाँ? चलो आगे देखते हैं। हम अंदर कैसे जाए? इसके अंदर तो ज़ॉम्बी है। देखो हमारे पास 8 पैटर्न कार्ड्स हैं। चलो सभी को खोलते हैं। ये 4 तो दूसरी कार्ड्स हैं। इस इंट में लिखा है ऊंचे टीले के दूसरी तरफ रोड है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है मैं किसी और टीम की इंट ले आया हूँ। क्या चलो पार्ट 1 खत्म। लव यू, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट आर्मी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 15 मिनट की वीडियो थी और बोर नहीं है। अभी इसका सेकंड पार्ट का इंतजार रहेगा, मुझे तो रहेगा, मुझे आप लोगों को पता नहीं रहता है कि नहीं रहता। तो अगर आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं तो 1000 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट करवा दें। ये वीडियो तो मजे की वीडियो है। इसके ऊपर तो बनते हैं, मजे की वीडियो है, साथ इसमें फन अच्छा खासा ज़ॉम्बी से BTS फाइट कर रहे हैं। यस, और जो विनर हो रहे हैं अभी तो वी का ही है। ए वी जंगकुक RM, वी जंगकुक एंड RM। एनीवेज बहुत मजा है यार, इंटरेस्टिंग। मैं वाकई यार ओरिजिनल डबिंग का अपना ही मजा है। जो लोग कहते थे ओरिजिनल डबिंग का वो बिल्कुल सही कहते थे। तो आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा हाय। हाँ, अपने उस सब्सक्राइबर का थैंक्स करते जिसने हमें इस चैनल के बारे में बताया है। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी मनपसंद वीडियो इसी तरह इंस्टाग्राम पे हमें भेजते रहें, और कमेंट भी मैं व्हाट्सएप कहने लगा था। कमेंट भी कर दीजिएगा। तो व्हाट्सएप अभी ना करें। नहीं, व्हाट्सएप कहाँ से करनी, नंबर कोई नहीं है हमारा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट वीडियो के ऊपर एक्शन लेके आएंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।